जिंदगी में हम अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। एक बड़ी मौन सी प्रतिस्पर्धा हम कर रहे होते हैं इस दुनिया में अपने आसपास वालों से। कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो अपना सगा भाई है वही का अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। कोई अपना सबसे जो बेहतर दोस्त है वही हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। कहीं क्योंकि रहते तो हम उसके साथ हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उससे एक प्रतिद्वंदिता अपनी लगाए रखते हैं। और एक हमारे मन में एक अजीब सा एक भय होता है कि कहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो ये सच है कि हम मुँह से भले ही कहते हैं कि अरे भाई तू आगे बढ़, ये कर वो कर, लेकिन उतना आगे बढ़ जहाँ पर तू मेरे से पीछे है। क्योंकि फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तेरे से आगे हूँ। अगर ये बातें गलत है तो गलत भी हो सकती है लेकिन सच ये है, एक हद तक तो ये सच है। और उस तरीके से यदि हम देखें तो ज़िंदगी को हम ऐसे जी रहे होते हैं कि हर समय हम दूसरे के सापेक्ष में खुद को देखते हैं और दूसरे के सापेक्ष में देखते हुए कभी हम जीतते हैं तो इतराते हैं क्योंकि हमारा अहम का तुष्टिकरण होता है और हम बहुत ही शानदार गर्व से दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने ये हासिल किया। और कभी जब हारते हैं बहुत खीज होती है, बहुत खीज निकालते हैं। और दुनिया की एक कहानी है ना कि इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसे नहीं मिला, इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि सामने वाले को मिल गया। तो वो भाव कहीं ना कहीं एक बहुत ही विषैला जहरीला भाव है। अब उससे परे जाने की चीज़ अगर आप देखें, जीत हार को एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं यदि, तो आप देखिए कि जब बच्चा 5वीं में होता है तो कहते हैं बेटा 5वीं आ गई, 5वीं आ गई, 5वीं में फर्स्ट आओ, 5वीं में फर्स्ट आओगे तो तुम्हें जो है ये मिलेगा, ये होगा, वो होगा। बच्चा मेहनत करता है, दिन भर लगता है, टेस्ट में कभी कम ज़्यादा नंबर आते हैं तो साथ वाले से कॉम्पिटिशन में कभी उसे घृणा करता है, कभी उसके बारे में 10 बातें बोलता है, अंततः जो है फिर 5वीं में फर्स्ट आ जाता है। तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिल जाता है लेकिन फिर उसे कहा जाता है कि बेटा 5वीं में फर्स्ट आ गया तो क्या हुआ, अगली क्लास में आके दिखाओ। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आ जाती है, फिर कहते हैं अरे बेटा देखो 10वीं है, ज़िंदगी है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, यहीं से ज़िंदगी बनती है बेटा, बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर कुछ कर लोगे तभी ज़िंदगी बनेगी नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद। ऐसा लगता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ही कुछ होना है, नहीं तो होगा तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। लड़का मेहनत करता है, लग के मेहनत करता है, उसमें फिर अपने प्रतिद्वंदियों से एक घृणा पालता है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा सोचता है, कभी पढ़ भी रहा है तो ये सोच के पढ़ रहा होता है कि कहीं साथ वाला आगे ना निकल जाए। खैर जो भी होता है वो वहाँ पर भी अच्छा कर लेता है, फर्स्ट आ जाता है। फिर घर वाले को ये गिफ्ट दे देते हैं, फिर 11वीं आती है, मौज मस्ती करता है, फिर 12वीं में कहता है बेटा ज़िंदगी अब यहीं से बननी है, अब यहाँ से जो होना है वही होना है, करो। 12वीं में लग के मेहनत करता है, फिर वही काम करता है, फिर फर्स्ट आ जाता है और फिर उसके बाद घर वाले कहते हैं बेटा 12वीं से क्या होता है, अभी तो ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी है। फिर वही काम होता है, ग्रेजुएशन में पहले साल में फर्स्ट आना, दूसरे साल में फर्स्ट आना, तीसरे साल में फर्स्ट आना, तीनों साल का मिला के फर्स्ट आना। अभी यहाँ भी बात नहीं बनती बेटा, अभी तो मास्टर्स में अच्छा करना होता है, मास्टर्स में पहले साल में फर्स्ट आना, दूसरे साल में फर्स्ट आना, ओवरऑल फर्स्ट आ जाना हो गया। अब लगता है कि शायद यहाँ से ज़िंदगी में कुछ मिल गया। इससे क्या होता है, और हायर डिग्री लो, PhD करो, PhD करने चले, अब वहाँ पे कंपटीशन ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट आना है सेकेंड आना, लेकिन हाँ वहाँ पे बेहतर करना है, अब उस भाव के साथ जीते हैं। या फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में चले गए, जॉब में चले गए, तो जॉब में जाने के बाद प्रतिद्वंदियों के साथ किसका प्रमोशन पहले हुआ, बॉस किसको ज़्यादा चाहता है, किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। ये कहानी एक ऐसी है जो घूम फिर के उम्र बढ़ती जाती है, इस दौरान कितने रिश्ते आते हैं जाते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, हम पल पल में एक ऐसे व्यापार में उलझे रहते हैं जहाँ पर अंततः हम जब अपने आप को पाते हैं उम्र बीत चुकी होती है, हम जिन बातों को कल खुद नहीं मानते थे उन बातों की सलाह हम औरों को दे रहे होते हैं अपने लोगों से, लेकिन जैसा हमने यदि किसी की नहीं सुनी तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं रहता। और तब जब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हम बैठे रहते हैं तब भी हम कहते हैं कि जिस दिन से हम पैदा हुए और जिस दिन हम मरेंगे उसके बीच में वो हर दिन आया जो वो हर दिन अपने आप में बन चुका होता है। और जीत हार के लिए हमने जिन हजारों सैकड़ों लोगों से समय समय पर देश विदेश मोल लिया उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत बेहतर होता यदि हम वो कंपटीशन किसी और से लगाए बिना खुद से लगाते, क्योंकि ये जीत और हार का कंपटीशन हम डेली अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। जब हम खुद से कह के सोते हैं सुबह 5 बजे उठेंगे और नहीं उठते तो हम खुद से हारते हैं, जब हम कहते हैं कि आज हम गाली नहीं देंगे लेकिन फिर भी देते हैं तब हम खुद से हारते हैं, जब हम कहते हैं कि आज हम खाने में ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी मुँह का चटोरापन हमें वो खिला देता है तो हम खुद से हारते हैं। ये तो सामान्य जीवन क्रम में हो गया, जब हम बड़ों का सम्मान नहीं करते तब हम खुद से हारते हैं, जब हम दोस्तों से प्यार से बात नहीं करते तब हम खुद से हारते हैं, जब हम खुद से खींचते हैं खुद को गाल जाते हैं तो तब हम खुद से हारते हैं, जब हम अपने आप को ठीक से ध्यान नहीं रखते तब हम खुद से हारते हैं। इन परिस्थितियों में इतनी हारें महसूस करने के बाद भी इंसान खुद के प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता,
क्योंकि वो खुद को जानने समझने और बेहतर बनाने के लिए किसी तरह से तैयारी नहीं है। कमियां तो हमेशा औरों में ही दिखनी है। इसी कारण इंसान जहाँ है वहाँ का वहीं रह जाता है। जो पहले वाले करते आए वही खुद करता है और अंततः अपनी कहानी के अंत में यही लिख के जाता है, ज़िंदगी की समझ तब आई जब ज़िंदगी से नाता तोड़ने का समय आ गया। हर दिन हर पल बहुत महत्वपूर्ण है। जीत हार के गणित औरों से लगा के औरों से विद्वेष पालने की बजाय यदि हम खुद के विजेता बने, खुद की आँखों को, खुद के कानों को, खुद के भुजाओं को, खुद के मुख को अगर हम अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें, कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि डोमिनेंट होकर जबरदस्ती कुछ करें, ट्रांसफॉर्म करें, उस ट्रांसफॉर्मेशन में यदि हम खुद के ऊपर बेटर कंट्रोल कर लेते हैं तब कहीं हम किसी तरह से कह सकते हैं कि नहीं हम विजेता हैं। नहीं तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा दीन दुर्बल वो है जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। औरों पर नियंत्रण रखने की कामना और प्रार्थना करने वाले दुनिया में बहुत दिखते हैं क्योंकि उससे उन्हें अपने बेहतर अस्तित्व का भान होता है, लेकिन खुद पर नियंत्रण करने की सोचने वाले भी बहुत कम दिखते हैं। लेकिन जो खुद पर नियंत्रण करने का प्रयास मात्र शुरू भी करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े धनवान बलवान इंसान होते हैं। और यही है ज़िंदगी, और यही है ज़िंदगी में मजबूत बनने का, आगे बढ़ने का एक सफल रास्ता।